बबल सॉर्टिंग के प्रोग्राम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अपन ने एल्गोरिथम पढ़ ली थी उसकी, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस था वो पढ़ लिया था। अब अपन यहाँ इसके प्रोग्राम के बारे में सीखे। तो कोई सा भी प्रोग्राम होता तो सबसे पहले कोई है सर, ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्या क्लास की? हाँ सर। हाँ तो मैं इंक्लूड फोन आयो रोट है, ठीक है। उसके बाद में वॉइड मेल के बाद में हम वो एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर आई, जो कि हमारा एक लूप को एग्जीक्यूट करेगा। चीजें होगी मैम उसकी साइज करो साइज ले लिया, जिसको आपको क्या करना है शॉर्ट करना है, जिस एरिया को आपको क्या करना है शॉर्ट करना है। और जो एक और वेरिएबल लिया आपने जो कि आपकी क्या करेंगे हेल्प करेंगे किसके अंदर सर्फिंग कराने के अंदर, और जो स्टेप्स अपन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर। एक आई वेरिएबल तो एक स्टेप, एक दो तीन चार कितने स्टेप तक चलेगा, फोर्थ स्टेप तक चलेगा। एस ओ टी टी आपके सर्फिंग में काम आएगा, वेरिएबल को इंटरचेंज कराने के लिए सर्फिंग की जब रिक्वायर होगी तो टी उसमें नीड होगा, ठीक है। और एस जो आपका है, एस का क्या वर्क रहेगा, एस का जो वर्क रहेगा वो स्टेप्स के अंदर भी हम जो कंपेरिजन करा रहे थे फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ को, तो ये क्या करेगा कि एक एलिमेंट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरीके से क्या कराएगा कंपेरिजन कराएगा, ठीक है। देन सी एल आर एफ पी आर, सी एल आर एफ पी आर अपन ने लगा दिया यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के लिए, ठीक है। फिर अपन लेंगे वही फोर लूप लगाएंगे वैल्यू इनपुट करने के लिए, आई इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू क्या रहेगी जीरो रहेगी और कहाँ तक चलेगी, आई इक्वल टू लेस देन फाइव और आई प्लस प्लस। ये जो फॉर लूप अपन ने लगाया है, इस फॉर लूप का काम है वो क्या है, इस फॉर लूप का काम है वैल्यू को एंटर कराना, एरिया के अंदर वैल्यू को एंटर करवाना। अब वो लिखेंगे अपन प्रिंट है और लिखेंगे एंटर दी वैल्यू, एरिया के अंदर वैल्यू एंटर कराने के लिए हमने प्रिंट टाइप लिखेंगे। देन हम लिखेंगे इसके अंदर, ये तो मैसेज प्रिंट करेगा, इसके अंदर वैल्यू प्रिंट करेगा परसेंट दी परसेंट डी लिखेंगे क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। देन एम परसेंट आपकी ए रही थी एम आई, एम आई के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में जो रहेगा वो क्या रहेगा कि आपका यहाँ पे ये इसको हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करवा दी। अब वैल्यू इनपुट कराने के बाद में अब जो मेन टास्क रहेगी वो हमारा रहेगा कि कैसे हम इसको क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। वापस से हम लूप लेंगे, सपोज तो हमने डू वाई लूप ले लिया, तो डू फिर उसके लिए वही एस इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो से हम कंपेरिजन कराएंगे जीरो वन टू थ्री, तो एस इक्वल्स टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे अपन। देन वापस से बोले फोर लूप लगा के आई इज इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू जीरो से कराओगे कंपेरिजन और कहाँ तक कराएंगे फोर पे, क्योंकि लास्ट से किसी से कंपेरिजन की ऑटोमेटिक क्या रहती है शॉर्ट रहती है, तो वो हाईएस्ट एलिमेंट रहेगा यहाँ पे आई लेस देन फोर और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा एम ऑफ आई इज ग्रेटर देन एम ऑफ आई प्लस वन,
यदि फर्स्ट वाला एलिमेंट यदि ग्रेटर देन है फिर से सेकंड वाला एलिमेंट तो क्या होगा पेपिंग परफॉर्म होगी तो इसमें क्या होगा p इक्वल टू m ऑफ i ठीक है और t के अंदर m ऑफ i आ गया तो अब जो i प्लस 1 में क्या है वो t को हम दे देंगे तो m i प्लस 1 की वैल्यू में जो t में जो वैल्यू थी वो ट्रांसफर हो जाएगी ठीक है जाएगी
देन उसके बाद में आपका स्टार्ट होता है मैन फंक्शन। तो मैन फंक्शन हमने वर्ड मैन से हमने फंक्शन को स्टार्ट किया और वर्ड मैन लिखा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में जो हमारी एरे है, हम सबसे पहले इसके अंदर फंक्शन के अंदर हमें जो टास्क करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल्स क्या क्या रहेंगे, तो जैसे ही आप कोई भी एरे डिफाइन करोगे तो उसका डेटा टाइप, एरे नेम और एरे की साइज, ये अपन ने पढ़ रखा था, ये लिखोगे। देन उसमें और कितने वेरिएबल्स की हमें रिक्वायर है उस प्रोग्राम के अंदर, वो सारे अपन वेरिएबल्स लिखेंगे। तो जो सारे वेरिएबल्स होंगे आई और आपका एस और टी, ये तीन वेरिएबल हमने लिए। तीनों का पर्पज ये है कि आई तो आपका क्या काम करेगा, पर्टिकुलर एरे के अंदर वैल्यू इनपुट कराने के लिए, और एरे की स्टेप्स कैलकुलेट करेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, कि कहाँ तक आप कंपैरिजन कराओगे, कितने स्टेप तक आप कंपैरिजन कराओगे। तो बेसिकली जो आपको कंपैरिजन कराना रहता है वो एन माइनस वन तक करवाना होता है। मतलब ये सपोज करो कि आपकी एरे है 10 साइज की, तो आप उस जो स्टेप्स है वो आपकी रहेगी 9, एन माइनस वन स्टेप तक आपको उसको परफॉर्म करना होगा, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, शॉर्टेड रहेगा। तो इस वजह से अपन लास्ट एलिमेंट को शॉर्ट नहीं करते, तो अपना जो फर्स्ट एलिमेंट है और एन माइनस वन तक का जो एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करेंगे, हमने जो दो वेरिएबल थे हमारे एच और टी, एच का क्या काम है कि उन स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने देखा था जब अपन ने कर रहे थे कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने कंपैरिजन किया था किससे, फर्स्ट को सेकंड नंबर से, सेकंड को थर्ड नंबर से, थर्ड को फोर्थ नंबर से, फोर्थ को फिफ्थ नंबर से, इस तरीके से हम कंपैरिजन कर रहे थे। तो एस आपका जो है वो कंपैरिजन कराने में काम आएगा, हर एक स्टेप के अंदर वो क्या काम आएगा, कंपैरिजन कराने के अंदर, ठीक है। देन आपका रहता है टी, तो टी बेसिकली स्वैपिंग के लिए यूज होता है। टी बेसिकली किसके लिए यूज होता है, स्वैपिंग के लिए, कि कोई भी नंबर है उसको आपको यदि स्वैप करवाना है तो उसके लिए एक वेरिएबल होगा टी जो कि वैल्यूज को इंटरचेंज कर देगा। यदि कोई नंबर बड़ा है, बिगर है स्मॉलर से, और वो एरे पे टॉप पे आ रहा है, तो वो उसको आपस में चेंज करने के लिए हमें टी का यूज किया। देन उसके बाद अपन यूज करेंगे फोर लूप का, क्योंकि भी आपने एरे क्रिएट की है तो उस एरे क्रिएट करने में जो वैल्यूज आप उसमें इनपुट करोगे वो आप करोगे किसके थ्रू, फोर लूप के थ्रू। तो हम फिर फोर लूप का यूज करेंगे और फोर लूप का यूज करके हम उसके अंदर वैल्यूज को इनपुट कराएंगे, ठीक है। तो वह फोर लूप हमारी वैल्यूज को एरे के अंदर इनपुट करेगा, फर्स्ट फोर लूप जो यूज किया था अपन ने वह हमारी वैल्यूज को इनपुट करेगा किसके अंदर, एरे के अंदर। तो आपकी अब तक आपका क्या हुआ, आपने एरे क्रिएट किया, उसको वैल्यू एंटर कर दी, वो वैल्यू थी अनशॉर्टेड तरीके से, आपने मन से कोई भी वैल्यू एंटर कर दी वो अनशॉर्टेड एरे थी। अब उस एरे को शॉर्ट बनाने के लिए हम बबल शॉर्टिंग का जो स्टेप्स है वो परफॉर्म करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट जो चलेगा आपका वह आप एक लूप के थ्रू चलाओगे, क्योंकि स्टेप्स जो चलेंगे वह लूप के थ्रू चलेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन ने डू व्हाइल लूप का यूज किया और एस की वैल्यू जीरो से ली, और फिर उसको हम कंपेयर कराते रहे फॉर लूप के थ्रू, फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड से, सेकंड वाले को थर्ड से, थर्ड वाले को फोर्थ से, इस तरीके से वो लूप फर्स्ट स्टेप के लिए सभी वैल्यूज के लिए चलता रहेगा। और जब कोई भी नंबर उससे पहले वाले पे बड़ा है और उससे जो बाद में जिससे कंपेयर करा रहा है वो यदि स्मॉल है तो उसको क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा, उसको क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा, आपस में स्वैपिंग कर देगा। इस तरीके से ये चीज आपका ये जो लूप है वो हर एक स्टेप के लिए चलता रहेगा, आप हर एक स्टेप के लिए इसको चलाते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो लिखा हुआ है कि एस इज इक्वल टू जीरो फोर, ये फोर उस स्टेप के सारे लूप को चेंज करता रहेगा, उसके वैल्यूज को एक एक को क्या करता रहेगा, कंपेरिजन करता रहेगा। और ये पार्ट है वो हो गया आपका स्वैपिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्वैपिंग की जो है सारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा कि जो नंबर है वो सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो है आपका प्रिंट एफ लगाएंगे अपन, और जो हमारी एरे शॉर्टेड हुई है उसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट एफ एरे आफ्टर शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग करने का भी वही तरीका है, वही फॉर लूप से आप एक एक नंबर जो शॉर्ट किया उसको आप शॉर्ट लिखोगे, देन वही प्रिंट एफ परसेंट डी एम आई। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम परसेंट डी का यूज करते हैं, और देन गेट सी एन, एंड देन आपका प्रोग्राम का एंड हो गया। इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोग्राम रन होगा।